हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपने अपने लाइफ में मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। सो गाइज, आज है हॉलीडे, यानी ट्यूसडे है आज हमारा, और आज है सेमिनार रजंता। ये आप देख सकते हो, होटल है ये, इस तरह से यहाँ पे हमारा सेमिनार होने वाला है। मैंने अभी भैया को कॉल किया है जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, वो भी आ रहे हैं लेने शायद। वो ना एक्चुअली पहले ही पहुँच चुके हैं, कुछ बंदे आ रहे हैं शायद आ गए। बाकी जो आज का जो ब्लॉग है वो सेमिनार का होने वाला है। सेमिनार आज दिखाएंगे, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस करने आया हूँ सेमिनार में क्या कुछ रहता है, कैसे रहता है। बाकी आप सबको फुल दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहना। चलो चलते हैं, अभी भैया आ गए हैं। ये कुछ होल इस तरीके से होने वाला है। नाइस, 11 बजने वाले, 10 मिनट है और अभी तक सेमिनार स्टार्ट नहीं हुआ, बट ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो गया। और ब्रेकफास्ट पे आप देख सकते हो यहाँ पे जिस तरह का कम माहौल हो रहा है, ब्रेकफास्ट लाइन में लग के ब्रेकफास्ट लेना पड़ रहा है। अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है इन्होंने ना, और ये खाने पीने का इधर इस साइड में खाने पीने का है, उधर पे सारी चेयर्स वगैरह लगा रखी है और उधर पे ही सारा अरेंजमेंट है। मतलब उधरली साइड जो है वहाँ पे सेटअप है और सेमिनार होने वाला है, वो डिस्प्ले लगी हुई है सामने, आप देख सकते हो वहाँ पे होगा। ओहो, चाय फिक्की है, अभी मीठा अलग से डालना पड़ेगा, वो मैं लेके नहीं आया। चलो आज फिक्की भी लेते हैं चाय। यहाँ पे हमारे नॉन भी है बीच में खड़े हैं, काफ़ी जानकार भी आए हुए सेमिनार से। सेमिनार यार बहुत बंदे अटेंड करने लगे हैं, बहुत आने लगे, बट मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यार। अब नेक्स्ट टाइम से हर जगह जाया करेंगे यार। इन सभी चारों शेड का की लाइफ, जो कलर की लाइफ है, मतलब कलर को आपने डिपॉजिट किया और कितना वो कलर लास्ट करेगा, सबकी अलग अलग है। परमानेंट शेड कार्ड का बात करें तो 18 to 22 वॉशेस तक ये चलता है। सेंटर प्रोफाइल, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सेंटर प्रोफाइल सेक्शन निकालेंगे फ्रॉम मिड ऑफ द फोरहेड, ठीक है, लाइक दिस। अब इसके बाद कौन सा सेक्शन निकलेगा? ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर सेक्शन को क्या बोलेंगे? रेडियल सेक्शन, ठीक है, ये आपका ईयर टू ईयर सेक्शन के लिए बैंक को पढ़ने के लिए। सो आपको साइड में से अपना एक रेडियल सेक्शन निकालना है और आपको लॉक करना है। गाइस टाइम हो चुका है, 1 बज चुका है, बड़े अल्टीमेट बने हुए, सिर्फ ब्लॉग में आप सबके लिए करता हूँ यार। चलो यार बंद करते हैं, कोई आ जाएगा तो कहेगा वॉशरूम में क्या कर रहा है, ब्लॉग बना रहा है। कितना जाएगा? 1:1 की रेशियो बताया ना अभी हम लोगों ने, 30 ग्राम अगर आपका कलर है तो जो डेवलपर है वो कितने ग्राम का आएगा? 30 ग्राम, क्योंकि उसका 1 की रेशियो रहती है। हमें जब कलर करना है या लाइट अप करना है तो इक्वल रेशियो में करना है। जब आप मेकअप करते हो तो आप कितना ज्यादा ध्यान रखते हो?
हर चीज के अंदर ना कि नहीं इतना कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, इतना हाईलाइट होना चाहिए, नहीं। लेकिन कलर्स में भी अगर आप उसी तरीके से करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो अभी लंच टाइम हो गया हमारा, लंच टाइम हमारा हो गया और लंच कर लिया हमने और अब थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश होने के लिए बाहर आए थे। लेकिन नो डाउट लंच इतना शानदार, ब्रेकफास्ट भी अच्छा था इनका, बहुत बढ़िया। आप देखते हैं फाइनली सारे मॉडल का उन्होंने काम वगैरह करके दिखा दिया, अब बस फाइनली उन्होंने मॉडल को दिखाना है भी हमने कैसा कैसे कलर किया है। ये सामने हाईवे है, उस साइड वो सारा हाईवे है और ये ऑन हाईवे पर बना हुआ है और यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही, जो सेमिनार वाले आए हुए हैं बंदे, और ये बहुत बड़ा बना हुआ है। और फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ मैं इसकी, ये आप देख सकते हो, वाओ। जैसे पुराने टाइम में होता था ना हवेली, कुछ उस टाइप का बना हुआ है ये, और आप देख सकते हो हवेली पर आ जाना। मुझे अजय देवगन वाली मूवी याद आ गई, हवेली पर आ जाना, बहुत अच्छा बना हुआ है और अंदर से तो पूरा लग्जरी है, आप देख ही चुके हो व्लॉग में। ये देखो जिस सेमिनार में मैं आया हूँ उसके यहाँ पे इन्होंने ऐड भी लगा रखी है, ये आप देख सकते हो, स्ट्रिक्स प्रोफेशनल इवेंट बाय स्टाइलिश अमृत एंड अजहर, दो ओनर है जिन्होंने ये कराया, मतलब जो सेमिनार स्टेज पर जो करा रहे थे ना वो यहाँ पे इन दोनों की ऐड की हुई। वो रही वहाँ पे पार्किंग, सामने ये पार्किंग है, चलो अब चलते हैं अंदर। इसमें है नो अमोनिया प्लस नो पीपीटी, अब पाओ एक्सेप्शनल ग्लैमर एक्सेप्शनल केयर, डेनिम्स ब्यूटीफुल लॉन्ग लास्टिंग कलर। ट्रांसपेरेंट सेक्शन आएगा, इजी टू अचीव रहेगा अपनी लाइटिंग के अंदर, देन ओनली रिवर्स एप्लीकेशन। देखो ये मेन पार्ट आपकी दोनों साइड को बैलेंस करेगा कलर को, ठीक है, दिस इज द मेन पार्ट। सो अगर आप लेफ्ट और साइड में काफी ऊपर हो तो यहां पे जो शेडिंग करना है बैक कॉपिंग से वो भी उतना ही इक्वल होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, साइड से दोनों साइड से कलर ऊपर होगा और मिड ऑफ द सेक्शंस में कलर कम विजिबिलिटी होगी। सो प्लीज यहाँ पे जब भी आप कलर करो तो ध्यान रखना दोनों साइड का बहुत बैलेंस होना चाहिए। छूट जाना है लास्ट लेंथ का, सो यू नो कि आपका हेयर का लास्ट बैटन कहाँ है, फिर नीटली कॉम करना है, मेरा मान रखा, मेरी इज्जत रखी, उसके लिए थैंक यू सो मच।
हूँ घर पर और भाई 6 बज चुके हैं और काफ़ी लेट हो गए हैं। सुबह 10 बजे के निकले हुए और सेमिनार बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली बार मैं सेमिनार में गया था और एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। अगर आपके आसपास कहीं पे भी किसी भी कंपनी का हेयर कट्स का कलर का कोई भी स्टाइलिंग का कोई भी सेमिनार होता है तो आपको जरूर जाना चाहिए, जरूर आपको अटेंड करना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज जरूर मिलेगी। सो गाइज आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आपको बहुत मजा आया होगा इस ब्लॉग में। मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपने भाई को फॉलो कर लेना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, खुश रहें एंड खुश रखें, बाय।